आज काशी राम जी की जयंती है, क्या लग रहा है? कारवा पूरा होगा उनका, चल रहा है ठीक से कारवा? बिल्कुल कारवा पूरा होगा और ये कारवा करने के लिए पूरा मिशन मोमेंट हमारा है जो बहुजन समाज पार्टी लेकर के चल रही है, और सारे लोग जितने भी इस मिशन मोमेंट में लगे हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपना बहुत समय, अपनी एनर्जी और अपना जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करके इस मिशन मोमेंट को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। कौन सा जिला है आपका? मेरा बागपत जिला है। बागपत, वहाँ तो बीजेपी की लहर चल रही है, आप के कैसे कह सकते हैं बीजेपी की वहाँ पर लहर चल रही है? वहाँ पर मुस्लिम वोट, पूरा मुस्लिम जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, और जो जाट समाज के लोग हैं वो सारा आरएलडी के जाने से बीजेपी में वो पिछड़ रहा है, वो नहीं जा रहा। दलित वोट कभी बीजेपी को वोट नहीं देता है, तो आप कैसे जाएगा सर वो? तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में चले गए खुद? तो आरएलडी का जो बेस वोट था उनमें से जो बीजेपी के, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो बीजेपी के खिलाफ वोट जाट समाज करता था वो आज बीजेपी और आरएलडी दोनों के खिलाफ हो गया है, और उसके पास में आरएलडी को छोड़कर के जो ऑप्शन बचता है वो सीधा बहुजन समाज पार्टी का बचता है, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी को जाट समाज याद करता है ना, तो उनको पता है कि किसानों के लिए जो सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर किसी पार्टी ने काम किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है, वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई बागपत में बीजेपी की लहर चल रही है? आपको एक बात बता दूँ, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर बागपत में हमारा समीकरण बनता है तो बहुजन समाज पार्टी बागपत से एक सांसद निकाल करके देगा। अरे सर, जो जाट और वो रहे हैं किसान नेता, उनको रतन दे दिया मोदी सरकार ने, चौधरी चरण सिंह को, तो वो तो खुश हो रहे हैं सारे। तो वही वो कनाट पैलेस में गुड़ बांट रहे थे सारे किसान नेता। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी कौन सा हथकंडा नहीं अपना रही है, कौन सा ऐसा काम है, मीडिया को नहीं खरीद रही है, वो भारत रत्न दे करके उन लोगों को नहीं अपने खेमे में ले रही है, या फिर वो झूठ फैला करके भोली भाली जनता को नहीं फंसा रही है, वो ये झूठे वादे करके मोदी जी कौन सा ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा ना मिले? भारतीय जनता पार्टी बाय हुक और बाय क्रूक ये देश में आना चाहती है, लेकिन अगर इस देश के अंदर कोई दो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा, मनुवादी जो विचारधारा है, अगर उसको कोई टक्कर दे सकती है तो वो अंबेडकरवाद विचारधारा है, और जो अंबेडकर विचारधारा को लेकर के चलने वाली पूरे देश के अंदर एकमात्र पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी है। लेकिन कहते हैं कि बहन जी बाहर नहीं निकल रही हैं, सिर्फ ट्वीट करती हैं, कैसे जीतेंगी, कैसे पीएम बनेंगी? तो आप ये कह रहे हैं कि बहन जी बाहर नहीं निकलती, आप ये देखिए कि बहन जी ऐसा कौन सा मुद्दा है इस देश के अंदर जिसमें बहन जी आवाज़ नहीं उठाती है? डरी हुई है बहन जी, मैं आपको सीबीआई से ऐसा लोग कहते हैं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ ना बहन जी के बारे में, ये विचार रखना कि बहन जी ईडी और सीबीआई से डरती है, और ईडी और सीबीआई किसके काम में, किसके साथ में काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम कर रही है, कि भारतीय जनता पार्टी को एक वोट से हराने वाली कौन थी? बहुजन समाज पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी का तीन बार इस्तेमाल करने वाली कौन पार्टी थी? बहुजन समाज पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा से जब सहमत नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी, बाहर निकालने वाली कौन थी? बहुजन समाज पार्टी है। आप कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ईडी से और सीबीआई से डरती है, आप एक बात बताइए, बहन जी के ऊपर इतने ज़्यादा ईडी और सीबीआई बैठी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाता है तो पूरी मीडिया, आप जैसे सारे मीडिया वाले लोग कहते हैं कि बहन जी के ऊपर सीबीआई और ईडी बैठी है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट उस सीबीआई और ईडी को फटकार लगाती है और ये कहती है कि आपको कोई दूसरा काम नहीं है, आप बहन जी के पीछे पड़े हुए हैं, तब ये मीडिया उसका प्रचार नहीं करती। आपको ये पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने ईडी और सीबीआई को कहा था कि तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं है? जब बहन जी पाक साफ निकलती है, बहन जी के ऊपर एक भी, इतने 100 से ज़्यादा बहन जी के ऊपर ईडी और सीबीआई ने छापे मारे हैं, लेकिन एक भी ऐसा एक केस नहीं जिसमें माननीय बहन जी के ऊपर कोई आरोप लगा हो, सारे पर क्लीन चिट है, लेकिन ये कौन नहीं प्रचार करता? आप जैसे चैनल, आप जैसे मीडिया नहीं प्रचार करती है, क्योंकि बहन जी का जो लीडरशिप है वो कोई भी नहीं चाहता, ये जातिवादी मानसिकता के पत्रकार नहीं चाहते, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, ये और जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व एजेंडे को लेकर के जो बात बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके सारी अन्य पार्टी है वो कोई इस बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप को नहीं चाहती है। प्रोपोगंडा फैलाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी ईडी और सीबीआई से डरती है। राम राज्य है, हिंदू राष्ट्र की बात करिए सर, अब अम्बेडकरवाद नहीं दिखाई देगा? देखिए ये देश लोकतांत्रिक देश है, इस देश में अगर राम को मानने वाले लोग हैं तो उनके भी ये बात की परमिशन देता है भारतीय संविधान कि वो राम को मान सकते हैं। जैसे जब राम मंदिर बना था तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि मंदिर का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मंदिर के साथ साथ जो
जो मुस्लिम समाज है उनके लिए जो मस्जिद बनाने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके लिए भी हमारी पार्टी स्वागत करेगी। तो ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इस देश के अंदर लोकतंत्र है और वो चाहते हैं कि सभी देश के सभी धर्मों का सम्मान रूप से होना चाहिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप ये समझते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर जो ये भारतीय जनता पार्टी खेल खेल रही है ये सारे हिंदू लोग भी जान गए हैं, क्योंकि जब मंदिर पूरा हुआ नहीं और चार गुरु जो धर्म के हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य है उन लोगों ने कहा कि भाई अभी मंदिर पूरा हुआ नहीं है, आप कैसे उसका उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर उसका प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, इसका मतलब सीधा ये है कि वो चाहती है कि ओनली हिंदुओं का वोट लेकर के हम इस देश पर राज करते रहे। तो राम मंदिर का ये सारे लोग जान चुके हैं, राम मंदिर का कोई इस देश के अंदर जो आने वाला 2024 है उसमें आकर के कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देने वाला, कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन लाखों लोग तो रोज जाते हैं मंदिर में, अयोध्या में 2 लाख प्रतिदिन जाते हैं। मैं कह रहा हूँ वो जाएंगे, वो जाने चाहिए, उनकी आस्था है, उससे हमें थोड़ी कोई आपत्ति है। जिनकी जिसमें आस्था है, किसी की राम में आस्था है, किसी की हनुमान में आस्था है, किसी की शिवजी में आस्था है, उनको जाना चाहिए। हेगड़े कह रहे हैं कि 400 पार सीटें दीजिए संविधान हट जाएगा। बिल्कुल, हेगड़े का ये बयान पूरा देश में हल्ला मचा रहा है और उसको बाहर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई बाहर करने वाला है, इस देश को अगर देश के अंदर संविधान बचाने वाला है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन बारे से आपका वोट बैंक लगातार घटता जा रहा है, क्या वजह? देखिए 2012 में हमारा जो वोट प्रतिशत घट रहा है, लेकिन हमारे 2009 में 20 सांसद थे, 2000 हमारे 19 में 10 सांसद थे, लेकिन उसके बहुत से कारण हैं। जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी का ये जो मीडिया अगर ये प्रचार करती है, दुर्प्रचार करती है कि वोट बैंक हमारा घट रहा है, लेकिन ये भी बात है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में जो मुद्दे उठाती है वो हमेशा लगातार उठाती रहती है। देखो बहुजन समाज पार्टी राजनीति हिंदू मुस्लिम की राजनीति है सर, हम मुद्दे होते भूल जाइए आप। उसका मैं जवाब देता हूँ, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी से पहले एक सामाजिक संगठन है। पार्टी में आना पार्टी का माध्यम है। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो एक मूवमेंट और मिशन है जो कि लेकर के आगे चलता है। राजनीतिक हमारी एक माध्यम है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम पार्टी में हम नहीं जीत रहे हैं तो हमारा ये संगठन खत्म हो रहा है या हमारी पार्टी खत्म हो रही है, ऐसा नहीं है। आज नहीं तो कल हमारी 2024 में बहुत अच्छी हम सीट जीत करके सीट लेकर आने वाले हैं और देश में अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से निभाने वाले हैं। कांशीराम जी की जयंती है, जो कांशीराम जी ने कहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, क्या लग रहा है वो नारा जो है पूरा हो रहा है क्या उनका? देखो ये पूरा होगा, बहन जी करेंगी पूरी और हम बहन जी के साथ हैं और सारा समाज साथ है और भी समाज के लोग सब साथ हैं बहन जी के साथ हैं। लेकिन आपका जो वोट बैंक है वो घटता जा रहा है जब जब चुनाव आते हैं, 2012 से लगातार आप हारते जा रहे हैं। लेकिन आपका बढ़ेगा, आपका ग्राफ बढ़ेगा, आपका ग्राफ बढ़ रहा है बहन जी को सब आप धीरे धीरे जो भी हमारे लोग कुछ फिसल गए थे चले गए थे तो वे सब वापसी हो रहा सबका। सत्ता ऐसी है गड़बड़ करने हैं, मशीनों में गड़बड़ है। लेकिन मशीनों में तो चुनाव आयोग तो कहता है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फेयर चुनाव होता है ईवीएम से। ना 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 जी, और बढ़िया जहाँ हमारी ऐसी सीट है मुस्लिम दलित बाहुबली विधानसभा है वो तो सपा के साथ में जाता है मुस्लिम, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं उनके साथ भी है हमारे साथ भी है, ऐसा नहीं है। आपकी एक सीट रहेगी उत्तर प्रदेश में, कैसे पीएम बनेंगी बहन जी? आप बहुत नारा देते हो सोशल मीडिया पर, कहते हो कि बहन जी पीएम बनेंगी, वोट तो आपका घट रहा है, एक सीट रह गई, एक सीट से कैसे पीएम बन जाएंगी? कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहा, आप क्या बनेंगी बहन जी? पीएम बनेंगी। आपने 2019 में भी यही कहा था। कोई बात नहीं, बीजेपी करिए 400 पार इस बार, कह दो हमसे क्या मतलब हमारा, वो तो कुछ भी कहमे वे सब, वो तो पूरे 400 पार 500 पार भी हो जाएंगे। यूं जी कितना भरोसा उनको जो ऐसे कह देते हैं वो, किस 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 दम पे कह देते हैं? लेकिन सब समाज का हमें समर्थन मिल रहा, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा हमें, हमें अपने समाज पे भी गर्व है। और जो है कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं बीएसपी को? नहीं क्यों नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं, अब देखना अब 10-15 दिन पीछे सब कुछ हो जाएगा, सामने आ जाएगी तस्वीर। बीजेपी ने हमारे साथ अभी अत्याचार हो गया हमारे गांव में, बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के वे हमारी प्रतिमा को रात को प्रशासन उठा कर लेगा गाँव गालत में। अभी भी वहाँ पीएससी बढ़ी है, फोर्स बढ़ी है, हमारे बच्चे अभी जेल में हैं 11 लड़के, रात को अत्याचार करा प्रशासन ने। कल उन्होंने फिर धरना प्रदर्शन दिया, हमने 4-10 दिन होंगे धरना प्रदर्शन में, सब दबाव में है, सारा प्रशासन दबाव में है सरकार के में।